हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुक इट रिपीट। आज हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही हेल्दी सा नाश्ता और साथ ही इसमें बनाएंगे पकौड़ी वाला रायता। बूंदी का रायता तो आपने बहुत बार खाया होगा, कई बार घर पे बूंदी नहीं होती है तो आप बहुत टेस्टी सा ये पकौड़ी वाला रायता तैयार कर सकते हैं। और साथ ही ये हेल्दी सा दाल पराठा जो बहुत ही टेस्टी है, और ये मूंग दाल मसाला पराठा एक बार खाएंगे तो आपको बहुत पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियोस को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो सबसे पहले हम तैयार करते हैं रायता। इसके लिए एक कप दही लिया है और उसको अच्छे से हम फेंट लेंगे। अगर दही बहुत ज्यादा गाढ़ा है तो आप उसमें थोड़ा सा पानी डालें, क्योंकि हमें इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो मीडियम रखनी है, बहुत गाढ़ी भी नहीं रखनी है और बहुत पतली भी नहीं रखनी है। देखिए, इस तरीके का हमें रायता चाहिए। तो अच्छे तरह से फेंट लिया है, इसमें मैंने नमक भी मिक्स कर लिया था। अब हम तैयारी करते हैं अपनी पकौड़ी के लिए। तो उसके लिए मैंने एक बोल लिया है और उसमें मैं डाल रही हूँ 3 चम्मच बेसन। तो घर पर आप बहुत ही टेस्टी सा ये रायता तैयार कर सकते हैं झटपट से। तो 1 चुटकी डालेंगे हल्दी, 1 चुटकी लाल मिर्च और 1 चुटकी ही डालेंगे इसमें नमक। तो इसमें हम ये तीनों चीजें मिक्स कर लेंगे और अब हम डालेंगे 1 चुटकी इसमें खाने का सोडा, जिसे हम कहते हैं बेकिंग सोडा, जो हम पकौड़ी वगैरह बनाने में यूज करते हैं, बहुत आसानी से सभी के घर में मिल जाता है। तो ये सभी चीजें मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। और इससे पहले हम डाल दें इसमें थोड़ा सा हरा धनिया। पानी हमें बहुत ज्यादा नहीं डालना है, करीब 2 से 3 चम्मच पानी ही इसमें काफी रहेगा। तो अब हम इस बैटर को थोड़ा सा थिक ही रखेंगे, गाढ़ा रखेंगे और इस तरह से हाथ से फेंट लेंगे। तो 1 चम्मच पानी मैं यहाँ पर इसमें और डाल रही हूँ। तो देखिए, अच्छे से फेंट लेंगे इसको तो हमारी जो पकौड़ियाँ हैं वो बहुत ही सॉफ्ट बनेंगी। और जब भी घर पर कोई मेहमान आए और घर पर बूंदी ना हो या रायता बनाने के लिए कोई और ऑप्शन ना हो, तो आप ये रायता तैयार कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनता है और बिल्कुल एक नए तरीके का रायता है जो सबको पसंद आएगा। तो ऑयल को मैंने मीडियम हीट पर गरम कर लिया है। अब देखिए, इस तरह से बेसन को हम हाथ में लेंगे और छोटी छोटी सी पकौड़ियाँ इसकी हम तेल में छोड़ देंगे। तो बहुत छोटी छोटी पकौड़ियाँ इस तरह हाथ से आप डालें। ये रायता बहुत ही टेस्टी बनता है, तो एक बार आप इसे जरूर ट्राई करें। आप इसे किसी भी स्टफ पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं या कभी भी सब्जी पूरी रायता बनाए ना, तो आप ये जरूर ट्राई कीजिए। तो देखिए, इस तरह से हम मीडियम हीट पर ऑयल है और इस तरह से सभी पकौड़ियों को इसमें ऑयल में फ्राई होने के लिए छोड़ देते हैं। बहुत झटपट बन जाती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आए ना तो प्लीज वीडियोस को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और मेरे को आप कमेंट सेक्शन में भी लिखकर बता सकते हैं कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। तो देखिए, इस तरह से हम इसे मीडियम हीट पर पलटते हुए फ्राई कर लेंगे जब तक ये गोल्डन हो जाती हैं। गोल्डन होने के बाद देखिए, हम इन्हें निकाल लेते हैं ऑयल से बाहर। तो हमारी जो पकौड़ियां हैं बिल्कुल तैयार हो गई। देखिए, 3 चम्मच बेसन में कितनी सारी पकौड़ियां तैयार हुई हैं। तो अब हम इसे दही में डाल देते हैं। जब ये ठंडी हो जाए हमें दही में तभी डालनी है, गरम गरम नहीं डालनी है, अदरवाइज तो हमारी दही फट जाएगी। तो देखिए कितनी सॉफ्ट पकौड़ियां हमारी तैयार हुई हैं। अब ये दही में मिक्स कर देते हैं और इसे 10 मिनट के लिए ढक कर रख देते हैं और अपने मूंग दाल पराठे की तैयारी करते हैं। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी पराठा बनता है, बिल्कुल अलग तरीके का पराठा है। कचौरी वाला टेस्ट आपको इसके अंदर आएगा, जैसा कि मूंग दाल की कचौरी। तो मैंने यहाँ पर 1/2 कप मूंग दाल को 2 घंटे पहले ही पानी में भिगो दिया था और 2 घंटे में देखिए ये इस तरह से सॉफ्ट हो गई है। जब हम इसे क्रश कर रहे हैं तो इजीली क्रश हो गई है और अच्छी तरह से इसको हम धो लेंगे। तो धुली हुई मूंग की दाल, जैसा कि हम कचौरी बनाते हैं, बिल्कुल वही टेस्ट आपको इस पराठे में आने वाला है और बहुत ही टेस्टी है। आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। तो अब हमने पानी निकाल दिया है मूंग दाल से बिल्कुल और एक बोल में हम इसे डाल लेते हैं। और अब हमने डालिया 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और साथ ही लेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और अब हम डाल रहे हैं इसमें जिंजर, कद्दूकस किया हुआ, 1 छोटा सा टुकड़ा लिया है अदरक का और लिया है 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून हम डालेंगे इसमें लाल मिर्च पाउडर। मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं और नमक भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें मिक्स कर लें। तो अब हम डाल रहे हैं इसमें हींग 1/4 टीस्पून
तो सभी चीजों को एक बार मिक्स कर लेते हैं और अब हम डालेंगे इसमें गेहूं का आटा। तो हम गेहूं के आटे से ही घी पराठा तैयार कर रहे हैं। आप इसमें मैदा से या कोई और आटा इसमें ऐड करना चाहे तो उससे आप इसका खाना बना सकते हैं पराठा। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें आटा डाल रही हूँ और अभी हम पानी नहीं डालेंगे, केवल दाल को और आटे को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो इस तरह से बिल्कुल हाथ से रब करते हुए हम आटे को अच्छे तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे। आप इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिए, बहुत ही टेस्टी लगता है और हेल्दी भी है, क्योंकि दाल पराठा है गेहूं के आटे से बना हुआ है और घर की बनी हुई जो पकौड़ी रायते के साथ इसका टेस्ट डबल हो जाता है। तो अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका टाइट डो तैयार करेंगे। तो देखिए आटे को हमने तैयार कर लिया है और अब हम इसे ढककर रख देंगे 10 मिनट के लिए, ताकि ये आटा बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। तो 10 मिनट के बाद हम आटे को चेक कर लेते हैं और अब हम इस पे डालेंगे 1 चम्मच ऑयल और बिल्कुल अच्छे से अब हम इसे स्मूथ कर लेंगे। चिकना हो जाएगा ये, एक बार इसे अच्छे से हम स्मूथ कर लेते हैं आटे को। इस आटे में से हम थोड़ी सी लोइयां निकाल लेंगे और हाथ पर सूखा आटा लगाकर हम इसकी जो लोइयां हैं, इसके पेड़े हैं, उसको हम तैयार कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से अब हम एक चकला लेंगे और उस पर सूखा आटा लगाकर इस पर हम इसका पराठा तैयार करेंगे। तो इसे हम बेल लेंगे, हमें बहुत मोटा नहीं रखना है, बहुत पतला हमें इसे बेलना है, तभी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अगर ये चिपक रहा है तो आप इस पर सूखा आटा भी लगा सकते हैं थोड़ा थोड़ा। तो हमें चारों तरफ से बिल्कुल एक सार इसको बेलना है। जब भी आपको कुछ समझना है ना, तो आप झटपट ये नाश्ता तैयार कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर बहुत ही पतला मैंने इसको बेला है। तो बस अब हम तवे को गरम कर लेते हैं और उस पर डालेंगे हम 1 चम्मच ऑयल और जब तवा गरम हो जाएगा तो हम उस पर पराठा डाल देंगे। तो इसी तरह से हम अपने सभी पराठे तैयार कर लेंगे। तो देखिए हमने पराठे को डाल दिया है मीडियम हीट पर ही, हम इसे सेकेंगे और अब हम इसे पलट लेंगे। जब ये एक तरफ से हल्का सा सिक जाता है तो ऑयल डालकर अब हम इसे पराठे तैयार करेंगे। तो दोनों तरफ से अच्छे से ऑयल डालकर हम गोल्डन होने तक इसको सेक लेंगे। तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं, कभी भी नाश्ते में आप इसे तैयार कर सकते हैं या डिनर पे भी आप इसे तैयार कर सकते हैं। अगर आप सफर में ले जाना चाहते हैं ना, तो भी आप ये पराठे लेके जा सकते हैं। अचार के साथ इसका टेस्ट, दही के साथ, सब्जी के साथ, आप किसी तरह से भी इसको खा सकते हैं। तो देखिए कितना अच्छा सा हमारा पराठा तैयार हो गया है, बहुत ही क्रिस्पी पराठा तैयार हुआ है। तो इसी तरह से हम सभी पराठे तैयार कर लेंगे और अब हम सर्व कर लेते हैं। तो देखिए हमारे जो रायते की पकौड़ियां हैं वो फूल गई हैं बिल्कुल और रायता पूरी तरह से हमारा तैयार हो चुका है। तो ये पकौड़ी वाला रायता बिल्कुल एक अलग तरीके से बना हुआ है, बहुत ही टेस्टी है। इसके ऊपर हम डाल रहे हैं भुना हुआ जीरा और साथ ही अब हम डालेंगे इस पे थोड़ी सी लाल मिर्ची, नमक इसमें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं और साथ ही थोड़ा सा अचार और ये मूंग दाल का पराठा। बहुत ही टेस्टी सा क्रिस्पी सा पराठा, बच्चे हो या बड़े ये सभी को पसंद आता है। तो एक बार आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो देखिए कितना सॉफ्ट है और बहुत ही अच्छा पतला सा पराठा है जो बहुत ही टेस्टी लगेगा और ये पकौड़ी वाला रायता। तो आप ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। साथ ही वीडियोस को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो आप इसे ट्राई कीजिए, मुझे कमेंट कीजिए और फिर मिलते हैं इसी तरह की नई रेसिपी के साथ।